Hello students, myself Dr. Nisha Jain, Physiology of Excretion, Part 2. इसका next topic आज हम start करेंगे. We have already started Physiology of Excretion, and in Physiology of Excretion we have done ureotelic, ammonotelic and uricotelic. The next is excretory system. मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी के नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, और ये जो एक्सक्रीशन होता है ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स के द्वारा होता है. ये ऑर्गन एक पूरे सिस्टम को बनाते हैं और उस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज बेसिकली कम्पोज ऑफ फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स: अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए. अगर ये डायग्राम आपको समझ आ गया तो बहुत सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको समझ आ जाएगा. इस डायग्राम में आप देखिए, अ पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी. इन दोनों किडनी के ऊपर एक छोटा सा येलो कलर का स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड. रेड कलर की दो ये आपको स्ट्रक्चर ट्यूब्स दिख रही हैं, इसमें इसको हम बोलते हैं रीनल. दिस इज एक्चुअली इन्फीरियर वीना केवा एंड दिस इज एओर्टा. उसके नीचे किडनी से आप देखिए दो ट्यूब्स निकल रही हैं जिसको हम बोलते हैं यूरेटर. ये दोनों यूरेटर जो हैं एक ऑर्गन के अंदर खुल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर. और ये यूरिनरी ब्लैडर जो है इसकी ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा. सो दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपनिंग इज यूरेथ्रा. Now, what is the functional architecture of mammalian kidney? हम सबसे पहले किडनी के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं जिससे कि हमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है ये समझने में बहुत सुविधा होगी. किडनी की अगर हम एनाटॉमी की बात करें, किडनी की एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो ये जो किडनी है ये बीन शेप्ड होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है. इसका वेट 135 ग्राम्स होता है फीमेल्स के अंदर, परंतु मेल्स के अंदर ये थोड़ी बड़ी होती है जो कि 150 ग्राम्स के करीबन होती है. इसकी लेंथ 10 से 15 सेंटीमीटर होती है और इसकी विड्थ 5 से 7.5 सेंटीमीटर के करीबन होती है. इसकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होती है. ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, T11L3. राइट किडनी यूजुअली शॉर्टर होती है लेफ्ट किडनी से, तकरीबन इसका साइज 1.5 सेंटीमीटर के तकरीबन ये छोटी होती है. ये आप देखिए किडनी का स्ट्रक्चर. ये अगर इस स्ट्रक्चर को आप समझेंगे तो आपको यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. आप अच्छी तरह से इसको समझिए, मैं आपको बहुत धीरे धीरे इसको समझाऊंगी. किडनी के आउटर मोस्ट किडनी की ऊपर की एक लेयर होती है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं, रीनल कैप्सूल. ये सबसे नीचे आप देखिए रीनल कैप्सूल. किडनी के अंदर दो लेयर्स होती हैं, आउटर को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और उसके नीचे जो लेयर होती है अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला. किडनी की कवरिंग को हम बोलते हैं कैप्सूल और दो लेयर्स होती हैं, आउटर इज कॉर्टेक्स एंड इनर इज मेड्यूला. दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज मेड्यूला. इसके अंदर ये आप देखिए पिरामिड्स, ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड. ये इसके नीचे जो एक स्ट्रक्चर है रीनल पिरामिड्स के नीचे आप ये देखिए कनेक्शन टू माइनर कैलिक्स. ये एक्चुअली दो कैलिक्स जो है ये स्मॉल छोटा वाला है ये स्मॉल, इसको हम माइनर कैलिक्स बोलेंगे, और ये जो बड़ा वाला है इसको हम बोलेंगे मेजर कैलिक्स. पूरा जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे रीनल लोब. इन रीनल पिरामिड्स के बीच में आप देखिए इसको हम बोलेंगे रीनल कॉलम्स, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसको हम कैप्सूल कहते हैं. अब आप आइए लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर ये है एक रीनल साइनस. इसके अंदर ये येलो कलर के आपको कुछ टिश्यूज दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यूज.
रीनल पैल्विस, जो कैलिस जो है वो पैल्विस में खुलता है, और इस जो पार्ट इसको हम बोलते हैं हीलियम, हीलम। ये रीनल पैपिला है, ये जो स्ट्रक्चर है, और ये जो रीनल जो कैलिक्स हैं वो पैल्विस में खुलते हैं, एंड द पैलिस ओपन्स इनटू द यूरेटर, जो मैंने आपको बताया था ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर मैं इसका एक पार्ट लेती हूँ, इफ आई एम टेकिंग अ पार्ट ऑफ किडनी विच इज शोइंग नेफ्रॉन, जिसको हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको अगर हम मैग्नीफाई करेंगे, बड़ा करेंगे, तो हम इस प्रकार ये दिखेगा। अब आप देखिए इसके अंदर, मैंने आपको बताया ये रीनल कैप्सूल है, ऊपर वाली कवरिंग जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, ये रीनल कॉर्टेक्स है ऊपर वाला, और ये रीनल मेजुला है, राइट। दिस इज रीनल मेजुला एंड दिस इज रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेजुला के अंदर मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी की, जिसको कि हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, और जिसको हम नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। ये एक नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन कॉर्टेक्स पार्ट में भी प्रेजेंट होता है और ये मेड्यूला पार्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। कुछ पार्ट इसका कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है और कुछ इसका मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आप देखिए, ये नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट्स दिख रही हैं इसके अंदर, और उसके नीचे आप देखिए, मैंने आपको बताया था मेजर और माइनर कैलिक्स होते हैं, जो कि ये कलेक्टिंग डक्ट इन कैलिक्स के अंदर खुलती हैं, और ये रीनल पैपिला है, ठीक है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ किडनी, जिसको कि जिसके अंदर हम आपको नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखा रहे हैं। हम इस नेफ्रॉन को और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ दिस इज नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। नाउ आई विल डिस्कस दिस नेफ्रॉन एंड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इन माय नेक्स्ट लेक्चर, एंड आई विल कंटिन्यू माय नेक्स्ट लेक्चर विद दिस नेफ्रॉन एंड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। दैट इज व्हाट इज नेफ्रॉन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, दिस वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर। सो आई एम स्टॉपिंग माय लेक्चर हियर ओनली विद दिस टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। Thank you once again.